अरे मोदी जी ने तो नाच कर रखा और करा क्या है इसने इस देश का। मोदी जी आज अभी से तो खलबली मची हुई है। उस मंदिर से हमें क्या लेना देना? लाखों पुजारी होंगे, करोड़ों भिखारी होंगे। उस मंदिर की जगह कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता, चिकित्सालय बनाया जाता। भारत में मंदिरों की कमी है क्या? ये बताइए, हर गली हर कूचा हर गाड़ी के अंदर मूर्ति रखी है, उसके बावजूद भी हमें एक और मंदिर बनाने की जरूरत पड़ गई। हमको कौन लेकर आया? ये मोदी से पहले राम नहीं था क्या? राम को मोदी जी लेके आए क्या? यार मोदी जी को राम लेके आए, ये बता दीजिए पहले। भाजपा का है ना? अरे नारे तो कोई भी बना ले, आप भी नारा बना लो, अपना कोई दिक्कत थोड़ी। जमीन में गाड़ देंगे जो संविधान के नाम पर। विकास नहीं, विनाश हुआ है। उस विनाश का नाम ही इन्होंने विकास रख दिया है। वो कहने लगा मेरी बकरी ने अंडा दिया है, मेरी बकरी ने अंडा दिया है। आपने कहा जी बकरी कैसे अंडा दे सकती है? उसने कहा मैंने मुर्गी का नाम ही अंडा रख दिया। तो इन्होंने विनाश का नाम विकास रख दिया है। उस संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, उस संविधान को छेड़ा जाता है, कभी उस संविधान को कोर्ट के सामने जलाया जाता है। आखिर ये मसला क्या है? ये कब खत्म होगा? संविधान के जो विरोधी हैं ये लोग चाहते क्या हैं? और ये जो सरकार है बैठी हुई है आज, जो आला सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस आवाम की गलती क्या है? क्या भारतवर्ष में आज संविधान नहीं आया? भारतवर्ष संविधान विरोधी कौन है? संविधान विरोधी वही लोग हैं जो संविधान को जला रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, जो शायद लगता है कि उन लोगों के घर बार, उन लोगों की नौकरियां, उन लोगों का परिवार भारतीय नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर में पूजने लायक कोई ग्रंथ है तो वह संविधान है, और संविधान की हम पूजा करते हैं। संविधान से छेड़छाड़ करना मतलब हमारी आस्था से छेड़छाड़ करना है। हमारी तरफ से बीजेपी को, हमारी बीजेपी से मतलब नहीं है, मेरे को कांग्रेस से मतलब नहीं है। आप मंदिर बंद कर दीजिए, आप धर्म बंद कर दीजिए, आप ग्रंथ बंद कर दीजिए, लेकिन जिस संविधान को बहुत ही कुशल पूर्वक आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समर्पित किया भारत को, और पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड इस संविधान का सम्मान करता है और इस संविधान से भारत चलता है, उस संविधान से अगर छेड़छाड़ होगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये मैं पूरे भारत की जनता से आग्रह करता हूँ कि संभाल लो जल्दी, एक युद्ध होगा और जमीन में गाड़ देंगे जो संविधान के संविधानिक बात कर रहे हैं। नहीं नहीं बोल रहे हैं, ये भी तो नहीं नहीं ऐसा मत जाने। क्या जब सांप आपको काटने आता है तो सांप को मारोगे या उसको पुचकार के दूध पिलाओगे? आप संविधान को मार रहे हैं, वो संविधान को खत्म कर रहे हैं वो लोग। तो संविधान को खत्म करने का मतलब है भारत वर्ष के लोकतंत्र को खत्म करना। यहाँ हर जाति, हर रंग, हर रूप के आदमी रहते हैं। यहाँ पर किसी विशेष कोई जाति नहीं है, कोई विशेष यहाँ पर कोई व्यक्तित्व नहीं है, विशेष कोई एक धर्म नहीं है, विशेष कोई एक रंग नहीं है। जब कुदरत ने भारत को इतना खूबसूरत बनाया, जब संविधान के तहत भारत आज से नहीं चल रहा, आज यह शासन काल आया है, आज यह शासन आया है, यह पहले क्यों नहीं संविधान को इन्होंने छेड़ा? पहले कांग्रेस रही, पहले और पार्टियां रही, पहले बड़े बड़े नेता रहे, जब संविधान से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज संविधान से क्या दिक्कत हो रही है जो संविधान के खिलाफ चला जा रहा है? कहीं तो नया संविधान लागू करने की बात करते हैं, कहीं पर यह जो संविधान को जलाने की बात करते हैं, कहीं पर यह कई इसके अंदर अनुच्छेद करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस संविधान का पूरा पूरा वर्ल्ड विश्व जिसका आदर करता है, और भारतवर्ष के अंदर इस संविधान को पूजा जाता है। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि हमें ग्रंथों से मतलब नहीं है, उन ग्रंथों से पहले हमारे लिए संविधान है, और उस संविधान के तहत ही भारत चलता है, और भारतवर्ष जो है उस संविधान के तहत ही चलता रहेगा। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाओ ना, अलग खालिस्तान की मांग करो, जाके हिंदू सारे वहाँ बस जाओ। यहाँ पर हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति रहता है। आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे यहाँ पर? क्या मुस्लिम नहीं रहता यहाँ? क्रिश्चियन नहीं रहता? सिख नहीं रहता? कैसे हिंदू की बात कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र से नहीं, हिंदू राष्ट्र से क्यों दिक्कत नहीं है? एक विशेष भाई, एक विशेष पाकिस्तान बना हुआ है। हम समझते हैं कि वहाँ मुस्लिम रहता है, लेकिन पाकिस्तान में भी हिंदू है। आप ये नहीं कह सकते हिंदुस्तान नहीं, जब इसका इतना खूबसूरत नाम है भारतवर्ष, उसे बदल कर आप सिर्फ एक कैटेगरी हिंदू की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। सर, बाबा बागेश्वर कह दो रहे मुस्लिम कंट्रियां इतनी है, हिंदू कंट्री एक भी नहीं, तो बनना चाहिए हिंदू। बनाओ ना, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को लेके जाओ। इसका मतलब यहाँ से आप सिखों को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब
यहाँ से मुस्लिमों को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ आप गिनती कर लीजिए ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उसका उतना पूरा देश। आप गिनती कर लीजिए हिंदू कितने हैं, बाकी आप दलितों को हटा दीजिए, ओबीसी को हटा दीजिए, आप सिख को हटा दीजिए, आप क्रिश्चियन को हटा दीजिए, कितने से हिंदू हैं जरा मुझे ये बताइए आप। मेरा एक सवाल है, चैलेंज कर रहे हैं बाबा बागेश्वर को, आप कितने से? अरे बागेश्वर को छोड़ो, किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ बागेश्वर की बात हो रही है, यहाँ ढोंगियों की बात हो रही है क्या? यहाँ धर्म की बात हो? आप ये बताइए, यहाँ पर आप संविधान के लिए आए हैं या बागेश्वर के लिए आए हैं? आप लोग सुनो मेरी बात, सुनो, आपके लिए आए, आपके लिए? नहीं नहीं, मेरे लिए आप नहीं आए, आप आए हैं इस आंदोलन के लिए। और सुनो, ये मैं मीडिया को एक बात, संविधान विरोधी लोग हैं उनकी तो बात की जाएगी ना, तो आप संविधान बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो समर्थक हैं या विरोधी हैं संविधान के, बताइए आप? समर्थक हैं हम। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, एक एक नागरिक की ड्यूटी बनती है इस संविधान को बचाने की। अगर ये संविधान जिंदा है तो भारतवर्ष जिंदा है, भारत के नागरिक जिंदा है। अगर ये संविधान बदल दिया गया तो देख रहे हो ना क्या हाल हो रहा है इस समय, क्या माहौल बना हुआ है दहशत का। उस मंदिर से हमें क्या लेना देना है? लाखों पुजारी होंगे, करोड़ों भिखारी होंगे। उस मंदिर की जगह कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता, चिकित्सालय बनाया जाता? अरे भारत में मंदिरों की कमी है क्या? ये बताइए, हर गली हर कूचा हर गाड़ी के अंदर मूर्ति रखी है, उसके बावजूद भी हमें एक और मंदिर बनाने की जरूरत पड़ गई। दिवाली पहले नहीं मनती थी? राम मंदिर से पहले दिवाली नहीं मनी जाती थी? पहले भी मनाई जाती थी दिवाली? मंदिर जाए, भगवान से कहे कि यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल बनाए। अरे ज्यादा ताकत है भगवान का, उतार लो ना नीचे। हाँ। इतने मंदिर बनाने क्या जरूरत है? ये आप लोग भगवान नहीं हो, हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। हाँ। इंसानों को मार कर उस मूर्ति को जिंदा रखना। हाँ। ये कहाँ की इंसानियत है? चंपत राय जी ने कहा तो है, मोदी जी तो विष्णु जी का अवतार है। अरे मोदी जी विष्णु का अवतार है तो यहाँ जिंदा क्यों है? मर के ऊपर पहुँचे ना। हाँ। मर कर वहाँ पर जाए, विष्णु की जगह तरह वहाँ पर बैठे समुन्द्र के अंदर। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को मोदी जी कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो नाच कर रखा और करा क्या है इसने इस देश का? मोदी जी आज अभी से तो खलबली मची हुई है, जब से तो आप भी माइक ले लेके भागे फिर रहे। मोदी जी नहीं था तो शांति पूर्वक आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। आप लोगों के बीच में जब ब्रांड चैनल आता है वो सिर्फ वही बात करता है जो मोदी जी चाहते हैं। आप लोग ना हो तो पब्लिक को पता न चले, सोशल मीडिया ना हो, आप लोग अगर लोकल चैनल ना हो तो पब्लिक को विकास नहीं विनाश हुआ है, उस विनाश का नाम ही इन्होंने विकास रख दिया है। 22 जनवरी को फ्री बसें जा रही हैं। देखिए मैंने एक सोशल मीडिया पे कल एक वो देखा था कि भाई वो कहने लगा मेरी बकरी ने अंडा दिया है। हाँ। मेरी बकरी ने अंडा दिया है। हाँ। आपने कहा जी बकरी कैसे अंडा दे सकती है? हाँ। उसने कहा मैंने मुर्गी का नाम ही अंडा रख दिया। तो इन्होंने विनाश का नाम हाँ। विकास रख दिया है। हाँ। तो राम मंदिर बन रहा है, खुश नहीं है क्या? नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं राम को नहीं जानता, मैं रामायण को नहीं जानता। मैं तो ग्रंथ उसको जानता हूँ जिसका इतिहास है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने नाटक बता दिया, काल्पनिक बता दिया। हाँ। आज आप इतने पढ़े लिखो कर फिर भी रामायण की और राम की बात कर रहे हैं? भाई साहब मैं इंसानियत के धर्म को जानता हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं जानता। सर कह तो रहे हैं जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे, जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। नहीं नहीं, राम को कौन लेकर आया? ये मोदी से पहले राम नहीं था क्या? राम को मोदी जी लेके आए क्या? यार मोदी जी को राम लेके आए ये बता दीजिए पहले। भाजपा का है ना? अरे नारे तो कोई भी बना लो, आप भी नारा बना लो अपना, कोई दिक्कत थोड़ी है।